समाज सेवी एवं ट्रांसपोर्टर स्वर्गीय वीरा सिंह की पुण्यतिथि पर पावर हाउस स्थित SBS हॉस्पिटल में डायलिसिस यूनिट का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुपुत्र चैतन्य बघेल द्वारा फीता काटकर किया गया। स्वर्गीय वीरा सिंह के पुत्र इंद्रजीत सिंह छोटू ने ये सुविधा गरीब तबके से ताल्लुक रखने वालों के लिए शुरू की है। समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाए समाज सेवी व ट्रांसपोर्टर स्वर्गीय वीरा सिंह के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके पुत्र इंद्रजीत सिंह छोटू ने समाज सेवा से जुड़ी परंपरा को कायम बनाए रखा हुआ है। इसी के तहत स्वर्गीय वीरा सिंह की पुण्यतिथि पर पावर हाउस स्थित SBS हॉस्पिटल में डायलिसिस यूनिट का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल उपस्थित हुए और फीता काटकर डायलिसिस मशीन का शुभारंभ किया। चैतन्य बघेल के SBS हॉस्पिटल पहुंचने पर इंद्रजीत सिंह छोटू ने सब परिवार और BSP ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के संरक्षक अचल भाटिया और अन्य पदाधिकारियों द्वारा पुष्प गुच्छ भेंट कर किया गया। चैतन्य बघेल ने स्वर्गीय वीरा सिंह के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इंद्रजीत सिंह छोटू ने मुख्यमंत्री के सुपुत्र चैतन्य बघेल को अस्पताल में उपलब्ध अन्य सुविधाओं की भी विस्तार से जानकारियां दी। गौरतलब है कि एसोसिएशन के संरक्षक रहे स्वर्गीय वीरा सिंह की पुण्यतिथि पर एसोसिएशन द्वारा ट्रांसपोर्टर्स के यहां काम करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर ड्राइवर, हेल्पर, क्लीनर और अन्य स्टाफ की बेटियों की शादी में 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। इस अवसर पर इंद्रजीत सिंह छोटू एसोसिएशन के संरक्षक अचल भाटिया और प्रभुनाथ मिश्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। स्वर्गीय वीरा सिंह भिलाई के बड़े लाडले संतों में से एक थे और समाज सेवा में उनकी रुचि सब मिलने थे बताने की बात नहीं। उन्होंने एक सपना देखा था कि कैंप क्षेत्र में चिकित्सा बहुत महंगी हो गई है, मजदूर बस्ती में हम एक अस्पताल बनाए। अस्पताल के लिए जमीन की व्यवस्था उन्होंने की, लेकिन दुर्भाग्य से वो तो बता रहा था कई रोज का सफर जंजीर खींच कर जो मुसाफिर उतर गया, दुर्भाग्य से हमारे बीच नहीं रहे। उनका सपना था, जमीन की व्यवस्था कर रखी थी। और एक बात और कहावत है कि पुत्र सपूत तो का धन संचय और पुत्र कपूत तो का धन संचय। उनके सपूत इंद्रजीत सिंह जिसको हम छोटे भैया बोलते हैं, उनको पिताजी के सपने याद रहे, भूला नहीं वो। और आज उसने उनके सपने को पूरा करते हुए उनके दूसरे पुण्यतिथि पर ही अस्पताल बनाकर तैयार कर दिया, सस्ते दर पर इलाज करना शुरू कर दिया। आज तीसरी पुण्यतिथि है और आज देख रहे हैं डायलिसिस की सुविधा दी जा रही है। बड़ी संख्या में किडनी के मरीज आ रहे हैं और डायलिसिस का प्राइवेट अस्पतालों में 2,500-3,000 रुपये लोग ले रहे हैं, एम्स में भी 1,500 देना पड़ता है। लेकिन अपने पिता के रास्ते पर चलना है तो इंद्रजीत सिंह छोटू ने व्यवस्था की। हम लोगों का जो मेन डिमांड था कि लोकल के जो लोग हैं उनको यहाँ पे, क्योंकि ये फैक्ट्री लोकल यहाँ लोगों के लिए लगाई गई थी जब लगाई गई थी, और लोकल के लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए था। और हम लोग ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े हुए हैं तो हम लोग चाहते थे कि जितने यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्टर हैं सबको उस चीज़ का फ़ायदा मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने डिमांड किया था कि यहाँ पे प्रायोरिटी लोकल ट्रांसपोर्टर्स को मिलनी चाहिए, जो हम लोगों ने यूनियन बनाई और उसके आधार पर हम लोगों ने यहाँ पर लोकल लोगों को फ़ायदा दिया। जो गाड़ियाँ 6-6 महीने से खड़ी थी, आज जितना काम उन्होंने 6 महीने में नहीं किया उतना काम इन्होंने 1.25 महीने में कर लिया। तो वो फ़ायदा यहाँ पर लोकल गाड़ी वालों को, लोकल गाड़ी मालिकों को, ड्राइवर हेल्पर जो घर पर बैठे थे, कईयों के घर में ये स्थिति आ गई थी कि खाने के लिए नहीं था, तो आज वापस वो जिंदा हो गए और काम कर रहे हैं। एसोसिएशन की वजह से मेरे ख्याल से 5,000 परिवार जो है जुड़े होंगे शायद यहाँ पे प्रदेश भर, 4 से 5,000 परिवार जो जुड़े। तो उनकी मूलभूत समस्या ऐसी कौन सी जिसमें एसोसिएशन उसमें पहल कर रहा है, उनकी चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य या और कोई जरूरत की चीज़ें हैं? हम लोग एसोसिएशन के माध्यम से उनको हर तरीके की सुविधा देने की कोशिश करेंगे जो सक्षम परिवार नहीं है, जैसे हमारे ड्राइवर भाई, हेल्पर भाई, सुपरवाइजर हैं, लिफ्टर हैं, जिनको स्वास्थ्य से रिलेटेड दिक्कत है या जिनके घर में छोटी बच्चियां हैं या बेटी है जिनकी शादी है, तो स्वास्थ्य के लिए तो हम लोगों की अभी चर्चा चल रही है कि उसके लिए भी कोई ना कोई हम लोग पहल करेंगे। पर अभी फिलहाल जो हमारे पूर्व अध्यक्ष थे, फाउंडर मेंबर थे हमारे यूनियन के, सरदार वीरा सिंह जी, जो स्वर्गवासी सरदार वीरा सिंह जी हैं, उनके पुण्यतिथि पर हम लोगों ने ये सोचा था कि घोषणा करेंगे, तो उस चीज़ की घोषणा हम लोग आज कर रहे हैं कि 25,000 रुपये जो हमारे ड्राइवर भाई, हेल्पर भाई, सुपरवाइज़र जो है जो सक्षम नहीं है
उनकी बेटियों की शादी के लिए यूनियन की तरफ से दिया जाएगा। आज हमारे पिताजी की तीसरी पुण्यतिथि है, उनकी स्मृति में हम लोगों ने डायलिसिस मशीन लगाई अपने SBS हॉस्पिटल में और उसमें, और बहुत न्यूनतम दर में लोगों का डायलिसिस करके देंगे। उनके लिए एसोसिएशन काम कर ही रही है और मैं पर्सनल रूप से भी जो भी मेडिकल कैंप लगते हैं, मेडिकल चेकअप कैंप लगाने की योजना हम लोगों ने बनाई है, तो उसमें हमारे हॉस्पिटल का SBS हॉस्पिटल का पूरा योगदान रहेगा, पूरा सहयोग रहेगा। तीसरी पुण्यतिथि में किन किन लोगों ने शिरकत की? काफ़ी लोग आए थे, काफ़ी मेरे भाई बंधु हमारे यूनियन एसोसिएशन के सभी लोग आए थे और मुख्य रूप से हमारे चेतन बघेल जी, उन्होंने आगे रिबन काटा इसका और उन्होंने उद्घाटन किया। गौरतलब है कि SBS हॉस्पिटल में पूर्व से ही मरीजों का अन्य अस्पतालों की अपेक्षा कम दरों में इलाज किया जाता है। अब डायलिसिस मशीन का शुभारम्भ हो जाने से निश्चित रूप से मरीजों को इसका लाभ मिलेगा। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।